नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट की। हाल ही में एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने इंट्रोड्यूस किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल को। दरअसल में राज्यसभा में इसे हाल ही में क्लियर किया गया है इस अमेंडमेंट बिल को। इसके पहले लोकसभा में इसको क्लियर कर दिया गया था। अब ये जो बिल है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दरअसल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनके प्रोटेक्शन को, और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग को भी रोकने में मदद करेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को दरअसल में अमेंड किया गया है। अब ये जो बिल है ये हेल्प करेगा साइट्स को इंप्लीमेंट करने में भी। साइट्स दरअसल में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है, जिसके लिए इंडिया भी काफ़ी हद तक सपोर्ट दिखाता है। साइट्स चाहता है कि जो विभिन्न कंट्रीज़ हैं वो रेगुलेट करें लिस्टेड स्पेशिमेंस की जो लिस्ट है उनके ट्रेडिंग को, वो भी परमिट्स के ज़रिए, और जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनकी रक्षा करें। बिल जो है वो अलाउ करेगा गवर्नमेंट को कि वो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी को चूज़ करें। कोई भी व्यक्ति जो भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहेगा, शेड्यूल्ड जो स्पेशिमेन हैं उनके, उन स्पेसिमेन की डिटेल्स उनको शेयर करनी होगी मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, और उसके बाद उन्हें यदि परमिट मिलता है तभी वह आगे प्रोसेस कर पाएंगे ट्रेडिंग की। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद।